मेरा कोई मोटिव नहीं था ऐसा एमसीए करने का, तो उनने मेरे को बताया कि एक काम कर, एक एमसीए होता है, लेकिन मैं अकेला ही आया था। और क्योंकि जब तुम घर से निकलते हो कि तुम्हें कुछ करना ही है लाइफ में, सरासर बहुत अच्छे हैं, आप आओ एक बार और बढ़िया अच्छे से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं, ऋतिक से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 135 है, जो कि मुरैना एमपी से हैं और ऋतिक क्लासरूम स्टूडेंट है। तो ऋतिक, सबसे पहले तो आपको 135 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच। तो ऋतिक, आपकी जो सक्सेस जर्नी है, देखिए क्या होता है, ये जो मैं इंटरव्यू सेशन लेता हूँ ये इंटायरली बच्चों के है। आपको और बाकी बच्चों को जब कोई सुनता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि एमपी के ही थे आप, मुरैना के थे और भोपाल आए, तो आपको वो वेदर और ये सब तो दिक्कतें नहीं आई होंगी, पर आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या थी और इतनी अच्छी रैंक की सक्सेस की क्या थी? हेलो एवरीवन, माय नेम ऋतिक जैन, आई एम फ्रॉम ग्वालियर। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुरैना डिस्ट्रिक्ट, सुमापली टाउन, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 135। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू प्रतीक सर एंड सर सर एंड मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा कोई मोटिव नहीं था ऐसा एमसीए करने का। और मैं, मेरा जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस ग्वालियर से की थी, साइंस कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज था। और मैं बताऊंगा कि मेरा कोई मोटिव नहीं था आने का एमसीए वगैरह करने का, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, इसलिए मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से की थी। लेकिन मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद एग्जाम रह गया था एक लास्ट वाला, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं यूपीएससी के लिए दिल्ली मूव कर लूँ। लेकिन जब मैं अपने लिए कोचिंग फाइंड कर रहा था और मैं देख रहा था कि फीस वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, और एक्चुअली में क्या है ना कि घर से कुछ फैमिली सपोर्ट ऑलवेज करती है आपका, और पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं, और मेरे एक्चुअली में क्या है ना कि डैडी हमेशा सपोर्ट करते हैं, कैसी भी सिचुएशंस हो वो हमेशा हैंडल करते हैं। और फाइनेंशियली इतनी सिचुएशंस ख़राब नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं 2-3 ईयर्स से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता था दिल्ली में, क्योंकि मुझे पता था कि यूपीएससी अगर करना है तो आपको आराम से 2 से 3 साल तो लग ही जाते हैं। तो मैं बहुत मतलब पजल्ड हो चुका था। और जब भी मेरे पास, पता नहीं, मैं लकी इतना हूँ कि सरस सर भी मेरे को मिले, प्रतीक सर भी मिले, और बाई चांस मेरे पास मेरे जिया जी का कॉल आ गया, मेरे सबसे बड़े वाले जिया जी, मैं उनको बहुत थैंक्स देना चाहूँगा। मेरे पास उनका कॉल आया और मेरे से पूछते हैं कि क्या कर रहा है, तो मैंने बोला कि मैं बस अपनी कोचिंग फाइंड कर रहा हूँ। तो उनने मेरे को बताया कि एक काम कर, एक एमसीए होता है, तूने अभी बीएससी किया है तो तू अपना बेस कंप्लीट कर ले, तेरी अच्छी जॉब भी लग जाएगी, तेरे पास कुछ तो रहेगा बैकग्राउंड में। और यूपीएससी के लिए तो ऐसा होता है कि तेरे को बहुत टाइम लगेगा, अभी तेरी एज भी इतनी नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो मैं 21 ईयर्स का ही था। तो मैंने सोचा कि, फिर उनने मेरे को बोला कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और एनआईटी से ऐसे करके एक एमसीए भी होता है। तो मैं डायरेक्टली मैंने सर्च किया, फिर सर की क्लासेस देखी, और फिर मैं डायरेक्टली सर से बात की। सर से बात की तो मैंने सर से बोला कि सर मैं 14 जुलाई को आ रहा हूँ। सर ने मेरे को डेट दे दी थी और सर ने बोला था कि 2 डे 16 से क्लास स्टार्ट हो चुकी हो जाएगी, तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ पे आया, और मैं अभी अपना, अब तक मैं अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आया हूँ, लेकिन मैं अकेला ही आया था और सर से बात की थी, फिर मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। और एक साल मैं यहाँ रहा, अच्छे से रहा, लेकिन मैंने बहुत सर की डांट भी खाई है। लेकिन हाँ, सर ने एक बात बोली थी कि जैसा मैं बोलता जाऊँ वो तुम करते रहना, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल रखना। तो मैं सुबह से शाम क्लास में ही रह के करता था, पढ़ता भी था, और सुबह 8 से और रात के 9 बजे तक मैं पढ़ता था, उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मेरा जब भी मन होता था, अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्क दिया हुआ है, कि ऐसे कभी प्रतीक सर ने भी क्लासेस लिए हैं, क्योंकि मैं प्रतीक सर से क्या है थोड़ा मोटिवेट ज़्यादा होता था। सरस सर तो करते ही हैं सबको मोटिवेट, सरस सर सबके लिए मतलब बहुत अच्छे ज़्यादा, लेकिन प्रतीक सर होते हैं ना कि मतलब एकदम बड़े भाई की तरह, तो वो बहुत डांटते हैं, वो डायरेक्टली बोलते हैं जो भी होता है। सरस सर इतना नहीं बोलते, सरस सर सबके लिए मतलब वो सोचते हैं कि बच्चे डरे ना, ऐसा सब कुछ। इसलिए प्रतीक सर को मैं मतलब बहुत सुनता था प्रतीक सर की, तो मैं सर प्रतीक सर के पास जाता था। प्रतीक सर ने अगर बोला है कि सेल्फ स्कोर अपने में लगाना है, या मतलब कुछ भी सर ने बोला है, तो वो मैं कर लेता था, तो रात को जाके पढ़ता था, वरना अदरवाइज मैंने कभी नहीं पढ़ा। और मेरे 3 फ्रेंड्स, अमन, मोहित, और हम तीनों साथ में रहते थे, इसके अलावा मेरी कोई ज़्यादा गहरी किसी से दोस्ती नहीं थी, हाँ, लेकिन सबसे फ्रेंडशिप थी, और हम दोनों हमेशा साथ में रहते थे। और बात आती है खाने पीने का, वेदर वगैरह, ये तो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तुम घर से निकलते हो कि तुम्हें कुछ करना ही है लाइफ में, और जब पढ़ाई में तुम पूरा इन्वॉल्वमेंट देते हो, तुम पूरे टाइम यहाँ रहते हो, तो भूख इतनी लगती है तो तुम सब कुछ खा लेते हो। हॉस्टल का खाना भी बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ आने वाले कोई भी टेंशन ना ले खाने वगैरह की, सब कुछ मैनेज हो जाता है। और वेदर वगैरह भी सर आपको सब इन्फॉर्म करते रहेंगे कि किस टाइम पर आपको क्या करना है, किस चीज़ को खाना है, क्या नहीं खाना। सर सर बहुत अच्छे हैं, आप आओ एक बार और बढ़िया अच्छे से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, अभी जैसे ऋतिक ने कुछ बातें बोली कि मन में था कि यूपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर मेरा ये मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन या तो आप 10 से स्टार्ट कर दें,
यूपीएससी की प्रिपरेशन का मतलब होता है 5 ईयर प्रिपरेशन, वो 10th से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 12th से भी और ग्रेजुएशन के बाद भी। अगर 10th से करेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ सिलेक्शन होने के चांस है, 12th से करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 100 साल का ड्रॉप लग सकता है, और ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो 4-5 साल का समय। तो ऐसे में कंफ्यूजन था। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं बात कि इसने पूरा 360 मतलब एकदम से ही लाइन चेंज की। और जिन रिया जी की बात कर रहे हैं वो भोपाल मुझसे मिलने भी आए, मुझे उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं कभी कभी कब लाइफ में कैसे चेंज हो जाए, तो वो ही इसके चेंज हुआ। यानी सोचिए कि मतलब एक दिन पहले तक, जिया जी के एक दिन पहले तक इसके मन में था यूपीएससी के लिए करना, फिर एमसीए के लिए करना, चालू किया, अपने आप को चेंज किया और बहुत अच्छे से मेहनत की, और उसी वजह से ये 135 रैंक आई है। तो ऋतिक, आपको इस रैंक के लिए एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू।